टेक मार्केट में आए दिन नए नए तरीके के गैजेट्स आ रहे हैं, जैसे वायरलेस ईयरबड्स, नोटिफिकेशन रिंग, हेल्थ डिटेक्टर और भी बहुत कुछ। वहीं दूसरी ओर मोबाइल को सिर्फ अब बात करने या फिर मैसेज करने के लिए ही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ों के लिए खरीद रहे हैं लोग। और मोबाइल कंपनियां भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं जिनसे वो अपने ग्राहकों के मन को लुभा सके। अगर आप अपने हाथों में स्मार्ट वॉच पहनकर बोर हो गए हैं तो रिसेंटली मोटोरोला ने अपना फोन लॉन्च किया है। अब आप कहेंगे ये पागल हो गया है क्या, बात स्मार्ट वॉच की कर रहा है और दिखा फोन रहा है। पर मैं पागल नहीं हुआ हूँ भाई, ये मोटोरोला आपको बैंडेबल फोन का जल्द ही बढ़िया एक्सपीरियंस करवाने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि फोल्डेबल और फ्लिप फोन के बारे में तो आपने सुना है, पर ये बैंडेबल फोन क्या है, ये बैंड होने के बाद चलेगा कैसे आखिरकार? तो आपको बता दें कि बर्सोला में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी कि MWC 2024 में मोटोरोला ने नए स्मार्टफोन से पर्दा उठाया है। ये फोन मार्केट में मौजूद सभी फोनों से काफ़ी अलग है और इसका डिज़ाइन स्मार्ट वॉच की तरह है। अब आप फोन को अपनी कलाई में घड़ी की तरह पहन सकते हैं। मोबाइल कंपनी मोटोरोला ने अपने अब तक के सबसे अलग फोन को लॉन्च किया है। इस फोन का नाम भी फोन की तरह ही अमेजिंग है। इस फोन का नाम है शेप शिफ्टिंग फोन। चलिए अब इसके कूल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस फोन में आपको 6.9 इंच की डायगोनल डिस्प्ले मिलेगी। स्मार्टफोन में थिक बेजल्स और फोन के बैक रियर में फैब्रिक मटेरियल लगाया गया है। इस फैब्रिक मटेरियल से आपका फोन जल्दी हाथ से गिरेगा नहीं और उसकी ग्रिप टाइट रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मुड़ता कैसे है, तो बता दें कि इस फोन को घड़ी बनाकर इसलिए पहना जा सकता है क्योंकि इसमें मेटल कफ का मैग्नेटिक लिंक दिया गया है जिसकी वजह से कलाई पर बैंड होकर ये बंद जाता है। इस फोन में आपको एक खास फीचर और मिलेगा, इसमें एडक्टिव यूजर इंटरफेस शामिल है। इसका मतलब इसकी हेल्प से मोबाइल को टेबल पर बैंड करके रखने से स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। इसके बाद फ़ोन में इंस्टॉल्ड ऐप सारे के सारे ऊपर शो होने लगते हैं। फ़ोन की स्क्रीन 4.6 इंच की बन जाती है। इस रोलेबल फ़ोन में आप अपनी पसंद का वॉलपेपर कस्टमाइज करके भी लगा सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये फ़ोन कब तक मार्केट में आएगा, तो आपको बता दें ये एक केवल कॉन्सेप्ट है जिसे MWC 2024 इवेंट में पेश किया गया है। संभावना है कि मोटोरोला इस पर काम करेगा और फ्यूचर में जल्द ही ये फ़ोन मार्केट में लॉन्च किया जाए। आपको बता दें ये शो इस साल 26 फरवरी से शुरू हुआ है जो 29 फरवरी तक चलेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट फ़ोन कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।